कुछ दिन पहले तक बीजेपी के साथ सरकार चला रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उसी पार्टी के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में लगे हुए हैं। वे दिल्ली में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक मजबूत गठबंधन तैयार किया जाए जो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को सीधे तौर पर चुनौती दे सके। इसके साथ ही एक ऐसे नेता की तलाश भी है जिसे पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा सके और जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। इसी कड़ी में नीतीश कुमार मंगलवार को सीपीआई नेता सीताराम येचुरी से मिले। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वे विपक्षी एकता के लिए दिल्ली में हैं और लोकतंत्र को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरे देश के स्थानीय पार्टियों को एक साथ लाना चाहते हैं। स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, राहुल गांधी से कल आपकी मुलाकात हुई, बहुत अहम मुलाकात मानी जा रही है, किस किस दिशा में वो बातचीत रही? ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है। बीजेपी वाले कह रहे सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी साथ नजर आएगी, आपका प्रयास है कि सभी विपक्षी दल साथ आना चाहिए? यार जरा मुंबई में आप जानते हैं कि बिहार में दोनों सात पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहां संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाए तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं, तो आगे की चीज है, कुछ समय के बाद की चीज है। सीताराम येचुरी ने भी मीडिया के सामने कहा कि वो नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में लौटने का स्वागत करते हैं और ऐसा करके नीतीश कुमार ने राजनीति के लिए बेहतर संकेत दिया है। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि पहली प्राथमिकता विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की है। बीजेपी छोड़ने और राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार को संभावित पीएम चेहरा के रूप में देखा जाने लगा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि न तो वो इसके दावेदार हैं, न ही उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है। बीजेपी ने इस पर नीतीश कुमार पर हमला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी कोशिश नीतीश कुमार आज दिल्ली में कर रहे हैं, यदि उतनी बिहार के विकास योजनाओं पर की होती तो इतने बिहारी युवा बेरोजगार न होते। रविशंकर प्रसाद ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आप तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य हैं जो गैर कांग्रेसवाद के पहले प्रवर्तक थे, आज कहाँ चले गए आप? ये आपकी कौन सी महत्वाकांक्षा जग गई? प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और बहुत से दावे विपक्ष में पहले ही खड़े हैं, आप भी खड़े हो जाएं। नीतीश कुमार ने इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी से मुलाकात की थी।